हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कोथिंबीर वड़ी चाट। कोथिंबीरी वड़ी चाट ये एक स्नैक्स रेसिपी है जिसे महाराष्ट्र में लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कोथिंबीरी चाट वड़ी बनाने के लिए हमने कोथिंबीरी वड़ी ली है जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ से आप देख सकते हो। ये मीठा वाला दही है, ये प्याज है, टमाटर है, ये बारीक वाला सेव है, भुना जीरे का पाउडर है, ये मिंट चटनी है, ये खजूर और इमली की चटनी मीठी चटनी है, नमक है, रेड चिल्ली पाउडर है और चाट मसाला है। आइए हम कोथिंबीर वड़ी चाट बनाते हैं, जिसके लिए हम पहले ये कोथिंबीर वड़ी लेते हैं। 5-6 पीस में कोथिंबीर वड़ी को ले रही हूँ, जिसे थोड़ा सा क्रश करके ले रही हूँ। ये क्रश इसलिए करना है कि उसका टेस्ट सब जगह अच्छे से आना चाहिए। अब हम इसमें ही दही डालेंगे। दही को गाढ़ा ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब हम ये प्याज डालते हैं। ये टमाटर डालेंगे थोड़ा सा। अब हम इसमें ये ड्राई वाले मसाले डालते हैं। ये जीरा पाउडर है, ये चाट मसाला है, रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा नमक। ये सब थोड़ा ही डालना है। अब हम वापस से इसमें थोड़ा दही डालेंगे। दही थोड़ा ज़्यादा डालना है, इससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वापस से हम थोड़ा सा मसाला डालेंगे। मसाले को हम थोड़ा थोड़ा ही डाल रहे हैं। ग्रीन वाली चटनी डाल रहे हैं। ये थोड़ा तीखा वाला चटनी है। और ये मीठी वाली चटनी हम डालेंगे। ये सब चटनी आप आपके चॉइस के अनुसार, आपके टेस्ट के अनुसार डाल सकते हो। बारीक वाला सेव डालेंगे। यह हमारा कोथिंबीरी चाट बनके तैयार हो चुका है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।